can't you talk to me? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम पूनम जैन. और सबसे पहले मैं मोनिका और पूरी जज पैनल का थैंक यू बोलना चाहूँगी. उन्होंने मुझे थर्ड राउंड तक आने का मौका दिया है. और आज की हमारी थीम है क्विक रेसिपी. सो मुझे अपनी क्विक रेसिपी आपके सामने प्रेजेंट करनी है. और मेरा मेन इंग्रेडिएंट है चीज़. सो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि मैंने बोला है हमें मेनली चीज़ लेना है, तो मैंने उसमें चीज स्प्रेड लिया है, चेदार चीज लिया है और कॉटेज चीज लिया है. और मेरी डिश का नाम है मैगरजिंग लावा. मैं इसमें कोयला भी गर्म करने रख रही हूँ और उसके ऊपर ही फिर मैं कढ़ाई रख दूंगी. ये जरूरी नहीं है, आप अलग से भी रख सकते हैं. लावा बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं बटर. डालेंगे थोड़ा सा मैदा. मैदा हमको थोड़ा सेकना है. और दूसरी साइड ही हम कढ़ाई में तेल भी गरम करने रख देंगे, क्योंकि हमें कुछ फ्राइज वगैरह भी तलने हैं. कॉटेज चीज की भी फ्राइज बना के तलनी है. जैसे ही मैदा थोड़ा सीख जाएगा, उसमें हम डालेंगे मिल्क. जैसे ही थोड़ा गर्म होगा उसमें हम डालेंगे बस चेदार चीज और 1 टेबलस्पून जितना ही चीज स्प्रेड डालेंगे हम. सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है. चीज को हमें मेल्ट होने देना है. हम डालेंगे पेरी पेरी पाउडर. थोड़े मिक्स हर्ब्स, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे. ऑरेगानो डालेंगे. गुलमोहर के जो लीव्स होती हैं, ये गुलमोहर फ्लावर्स है, इसकी लीव्स को मैंने क्रश किया है. मैं ये भी इसमें मिला रही हूँ. गुलमोहर लीव्स एडिबल होती है, उसका थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है. और क्योंकि मैंने लावा नाम लिया है मेरी डिश को, तो थोड़ा कलर भी आएगा उससे. और ये बनेगा तब तक हम दूसरी तैयारी भी करेंगे. इसमें थोड़ी शुगर भी डलेगी.
इसको हम हीट होने देंगे, तब तक हम इधर दूसरी तैयारी करेंगे। एक बाउल में हमको उबले हुए आलू लेने हैं। इसमें हम कॉर्न और थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी पत्ता गोभी डालेंगे। और इधर ही साइड में हमारा तेल भी एकदम गर्म हो चुका है, जिसमें हम थोड़ी फ्रेंच फ्राइज तलने डालेंगे। ये साइड में तलेगी, तब तक हम दूसरा मसाला भी रेडी कर रहे हैं। आलू में हम मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, पेरी पेरी पाउडर, ग्रीन चिलीज सब डाल के मिक्स करेंगे। और साथ में इधर मैंने कॉटेज चीज लिया है, इसमें मैंने मसाला डाल के रखा हुआ है। कॉटेज चीज के सॉरी, और ये कॉर्नफ्लोर मैदे की स्लोली बना के रखी है। और इसमें हमको ये कॉटेज चीज़ को डिप करना है और इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स में रोल करना है, जिससे ये आपको क्रंची टेस्ट देगा। और 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। ये मैं आपको एक और दो करके बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरा रेडी करके फ्रिज में रखा हुआ है। बस इस तरह से आपको रोल करके फ्रिज में रख देना है। हमें हमारी फ्राइज को भी देखना है, वो एकदम गोल्डन ब्राउन तलनी है उसको। और ये हमारी कॉटेज चीज की भी फ्राइज मैंने बनाई है। इसके साथ ही मैं इसको भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पोटेटोज की फ्राइज को टाइम लगता है, तो मैंने वो पहले डाली है। तब तक हम प्लेटिंग की भी तैयारी करेंगे। हमें एक प्लेन प्लेट लेनी है, उसके बीच में हमको इस तरह से ग्लास रखनी है। और ये जो मैंने आलू का मसाला बनाया है, मुझे उसके साइड में लगाना है ग्लास की। इसको प्रेस करके हमको पूरा जैसे वेल बनाते हैं, इस तरह से बनाना है। हमारी फ्राइज भी लगभग होने आ गई है। देखिए पनीर की फ्राइज जल्दी हो गई है, मैं पहले उन्हें निकाल रही हूँ। किचन नैपकिन पे आप निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने एक बार के लिए चीज़ का गैस बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा सॉस काफ़ी हो चुका था, मैंने उसे वापस स्टार्ट किया है। थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डालेंगे। चीज़ को हम हटा देंगे और हमारा जो कोयला गरम करने रखा है उसे गरम होने देंगे। ये मेरी फ्राइज सारी रेडी हो चुकी है, बस अब मुझे प्लेटिंग करनी है।
चीज़ को हम किसी और उसमें भी निकाल सकते हैं। ये मेरी ऑलरेडी कुछ फ्रेंच फ्राइज मैंने तल के रखी हुई थी वो भी रेडी है, और ये मैंने अभी बताने के लिए तली है वो भी रेडी है। बस अब हमें असेंबलिंग करनी है। हमें इसके साइड में फ्रेंच फ्राइज को अरेंज करना है। थोड़ी पनीर की और थोड़ी फ्रेंच फ्राइज। इसके ऊपर हम थोड़ा सॉस डालेंगे। थोड़ा मेयोनीज डाल देंगे। थोड़े से टमाटर, थोड़ा धनिया, ये सब करना है। और धीरे से ये ग्लास हम निकाल लेंगे हमारी। इसमें हम हमारा मेल्टेड लावा डालेंगे। पे थोड़ी हर्ब्स भी स्प्रिंकल करेंगे। मैंने ये मिक्स हर्ब्स डाली है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालें। और ये हमारी प्लेट तैयार है। बस इसको एक फाइनल टच मुझे देना है। बस ये जो हमने गरम किया है इसको हमें एक उस पर रख देना है, कटोरी पर, जिसमें मैंने नीचे डाली है सिल्वर कॉइल। और इस पर बस मुझे थोड़ा सा बटर डालना है। सिर्फ आपको, और ये है हमारा मेल्टेड मर्जिंग लावा जो इस तरह से बह जाएगा। हियर इज़ माई डिश रेडी। होप आप सबको पसंद आई हो। आई ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट। थैंक यू।
पतला नहीं बना।